नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं पंकज तिवारी। स्वागत है आप लोगों का त्रिवेणी के सेकंड में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में यहां पे हम बात करेंगे धान की फसल में दीमक से छुटकारा को लेकर। सारा कुछ बात करें इस वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बता देता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हों प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे अन्य लोगों को शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं कि किस धान की किस फसल में सबसे ज़्यादा दीमक लगती है। तो धान की फसल में जो सीधे डायरेक्ट बिजाई होती है, जैसे कि सीड ड्रिल हो गया, छीटा हो गया, लेई हो गया, मतलब इनमें डायरेक्ट बिजाई जो होती है उनमें दीमक की समस्या सबसे ज़्यादा आती है। अगर बात करें पर रोपाई विधि में से तो, लेकिन रोपा में भी दीमक लगती है, तो सब कुछ बात करें डिटेल में। किसान भाइयों, अगर आप लोग एक बार में कोई एक आता है पिप्रोनिल GR 0.03, उसमें मिलेगा आपको GR में, इसको आपको खाद के साथ मिला के डाल देना है। मतलब आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि एक बार में ही आपको पिप्रोनिल करके एक दवा आती है, चाहे आप बायर का रिजेंट नाम से मांग लेंगे, अडामा का गाड़ी नाम से आता है, चाहे तो विलोवुड का विलराइस नाम से आता है, मतलब पिप्रोनिल 0.03% में GR में मिलेगा आपको। इसको आपको खाद में, पहली खाद में जैसे आप बिजाई कर रहे हैं उसी टाइम पर आप पहली खाद में मिला के 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, अगर नॉर्मल डीमक आपके खेत में प्रॉब्लम होती है तो आप मिला के डाल देंगे, आप लोगों की फसल में लगभग 4 से 5 महीने तक किसी भी प्रकार की दीमक की प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपकी फसल में कोई भी तरीके का नुकसान नहीं होगा। अब बात करते हैं, कुछ किसान भाई पहली खाद में नहीं डाल पाते हैं, या हो सकता है उनको दीमक पहले लगता है कि दीमक नहीं है मेरे खेत में, लेकिन बाद में ऐसा दिखता है कि पेड़ सूखने लगा, तना सूखने लगे, पीली होने लगी, पत्तियाँ झुराने लगी, उस टाइम पर उनको लगता है कि दीमक लग गई। तो अब क्या करें, तो उनको क्या करना है कि जो पहली खाद होती है, दूसरी खाद होती है, तीसरी खाद होती है, जब उनको समझ में आए कि मेरी फसल में दीमक आ गई है, तो सबसे सही तरीका है खाद यूरिया के साथ, DAP के साथ, पोटास के साथ, या किसी के साथ भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 से 10 किलो प्रति एकड़ इसका डोज है, 10 किलो खेत में डाला जाता है, जिसे बहुत हाई लेवल की दीमक होती है और जिसमें नॉर्मल दीमक लगती है या दीमक की प्रॉब्लम ना भी हो, या थोड़ा बहुत ऐसा समझ में आता है कि दीमक हो सकती है, उसमें आप 0.03% वाला पिप्रोनिल GR आप मिला के डाल सकते हैं खाद के साथ। अब बात कर सकते हैं, कुछ किसान भाई होते हैं जो कि अब छिड़काव विधि का खाद बंद कर दिए हैं, सारा कुछ स्प्रे सिस्टम से यूज कर रहे हैं, उनके लिए भी आप देखेंगे तो वो लिक्विड में भी आने लगा है 0.03%, 0.05%, 5% पिप्रोनिल, जो कि आप स्प्रे में यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप नैनो यूरिया साथ मिला सकते हैं या तो अन्य किसी भी चीज़ के साथ मिला सकते हैं। आप जिस दुकान, कीटनाशक दुकान में जाके परचेज करेंगे, वहाँ पर जाके इसका रिकमेंडेशन और इसका डोज पूछ सकते हैं। तो यही था आज के वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।